पाकिस्तान से बाहर से भी मुझे देख रहे हैं उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग होने लगा है सुबह के टाइम पे जो क्लीनिंग की रूटीन होती है ना वो मैं अपनी आप से शेयर करूँगी कि मैं घर की सफाई कैसे करती हूँ अभी जो वॉइस ओवर का टाइम मैं हमेशा आपको बताती हूँ ना जब मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही होती हूँ तो मैं हमेशा आपको टाइम बताती हूँ और अभी पता है कितना टाइम है पूरे रात की तीन बज रहे हैं और इस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि दिन में ना बहुत सारे काम होते हैं तो वो बस वो करने होते हैं फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तो जो फिर वीडियो दिन में तो बना लेती हूँ लेकिन उसकी एडिटिंग का जितना भी काम होता है ना जो भी आपको पता है वीडियो एडिटिंग का कितना टाइम लगता है ना देखने में तो हमें पाँच छः मिनट की आठ मिनट की वीडियो नजर आ रही होती है ना लेकिन उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है जब आप वीडियो बना रहे होते हैं वो आपका कितना टाइम लगता है फिर जब आप वीडियो को एडिट करते हैं फिर उसके कीवर्ड्स होते हैं थंबनेल होता है वॉइस ओवर होता है मतलब बहुत काम होता है ना वीडियो का तो जी तो फिर मुझे ये होता है कि मैं रात में सुकून से बैठ के ना अपना जितना भी मेरा व्लॉग्स का काम होता है वो मैं रात में करती हूँ ना फिर एक दफ़ा ही मैं सुबह नमाज पढ़ के और फिर मैं सोती हूँ तो ये मेरी रूटीन है तो जी आते हैं अपनी मॉर्निंग रूटीन की तरफ तो सुबह जैसे यही होता है नाश्ते होते हैं सबसे पहले तो मैं नाश्ता करती हूँ भाई सुबह उठते ही मुझे तो बड़ी सख भूख लगी हुई होती है सबसे पहले तो मेरा होता है नाश्ता अंडा चाय पराठा तो वो मैं खाती हूँ उसके बाद जी फिर मेरे में ऐसी एनर्जी आती है ना और फिर मैं स्टार्ट हो जाती हूँ अपने किचन की सफ़ाई अपने घर की सफ़ाई जो सुबह की क्लीनिंग सब लेडीज़ करती हैं सब घरों में ऐसे ही काम होता है तो बस ये जी आ, हर चीज़ को ना अब आप देख रहे होंगे कि मेरा चूला ज़्यादा गंदा नहीं है क्योंकि डेली सफाई हो ना तो फिर आपका चूल्हा हो गया आपका घर हो गया वो इतना गंदा नहीं होता इससे आपका इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता ना तो देखिए जी मैंने अपने ना चूल्हे को बड़ा ही आज लशका दिया ना तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है आज बस मुझ में वो हुआ था कि आज ना मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन अपनी हाजरी नाजरीन से शेयर करती हूँ कि मैं अपने घर में क्या करती हूँ तो जी हमारे लेडीज़ के बड़े काम होते हैं बेशक जितनी मर्जी हम हेल्पर रख लेना लेकिन खुद भी हमें बहुत काम करना पड़ता है तो फिर इसी तरह बस किचन बिल्कुल नीट क्लीन हो गया तो ये एंड में ना वो जो कुंडी होता है ना ये वाला एक बड़ा और एक छोटा छोटा वाला ये इलायची वगैरह के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें कूटनी हो ना उसके लिए मैंने रखा हुआ है बस किचन जब नीट क्लीन हो गया ना उसके बाद जी मेरी हो गई डस्टिंग ना आ, सारे घर की जो डस्टिंग होती है वो सारी की और बड़ा अच्छा लगता है पता है बंदा बड़ा एक्टिव रहता है ना घर के कामों में अब जैसे ये मैं डस्टिंग कर रही हूँ ये मैं मतलब ये डेली नहीं करती ये मेरी वीकली होती है तो ये मतलब ये वाली जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना ये वीक में एक दिन मेरा सैटरडे का होता है सैटरडे में एक एक चीज़ घर की जो होती है ना उसको लशकाती हूँ ना मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी होती है उसको मैं बिल्कुल साफ़ करती हूँ ना बाकी डेज़ में तो मोटा मोटा सा बस डस्टिंग हम करते हैं लेकिन वीक में एक दफ़ा मेरी ना डीप वाली क्लीनिंग होती है डीप वाली डस्टिंग होती है अच्छा जी ये सारे काम काज करके ना मैं गई थी ज़रा थकना तो मुझे था कि थोड़ा सा ना कोई Uh, मुझे हल्की हल्की भूख सी लग रही थी तो मैंने फिर क्या किया दही में ये अलसी है ना अलसी को भून के ना आप किसी बॉटल में डाल के ना आप रख लें या आप यकीन करें मेरी जितनी बहनें हैं ना ये आप ज़रूर यूज़ किया करें अलसी के जो सीड्स हैं ना अपने सामने बॉटल रखी जैसे मैंने माइक्रोवेव के ऊपर रखी हुई है तो दही में डाल के खा लें इसी दही के बीच में अगर आप एप्पल और बनाना डाल दें और ऊपर थोड़ी अलसी अलसी को जब भी यूज़ करें थोड़ा सा उसको ना सभी पे फ्रैंक पैन पे थोड़ा सा भून लिया करें यकीन करें ये हम लेडीज के लिए बहुत जबरदस्त चीज है फिर जी खाना बनाने का टाइम आ गया और बस घर वालों के लिए मुझे तो अरबियाँ बड़ी पसंद है आपको बताया जब सब्ज़ी बने तो साथ में हमारे घर में चिकन मीट ज़रूर बनता है बच्चों के लिए कढ़ाई बना ली और अपने लिए अरबियाँ बना ली और इतनी मज़े की बनी थी इतनी मज़े की बनी थी अरबियाँ कि आपको क्या ही बताऊँ चिकन कढ़ाई भी बहुत यम बनी थी बच्चे कहते हैं मामा आप क्या डालती हो चिकन कढ़ाई में जो वो इतनी मज़े की होती है ना तो मैं कहती हूँ ये मेरा प्यार होता है अपने बच्चों के लिए तो जी ये मेरा आज का ये मेरा छोटा सा चुना मुन्ना सा व्लॉग था उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें बस जी अब मेरा लंच का टाइम हो रहा है सब खाने के लिए अभी बस आ जाएंगे तो मैंने कहा चले अपने हाजरीन नाजिन को भी दिखा दूँ कि जी ये मेरा दोपहर का खाना उसकी तैयारी हो रही थी ये चिकन कढ़ाई मेरी अच्छा बड़ी जल्दी दोनों चीज़ें मैंने बराबर बराबर करके रखी ना तो बस जल्दी जल्दी बन गया मेरा खाना भी चिकन कढ़ाई भी बन गई और साथ में मेरी अरबियाँ भी बन गई ना तो बस अच्छा मुझे खाना मैं दस हांडियाँ भी बना बन सकती हूँ मतलब मुझे बिल्कुल भी खाना बनाना मुश्किल नहीं लगता मेरे घर में डेली ही तकरीबन दो ही हांडियाँ बन रही होती हैं मतलब दिन को अगर नहीं है तो रात को तो लाजमी लाजमी ना तो ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त कलर आया मेरी अरबियों का और कुछ अरबी बोलते हैं कोई अरबी बोलते हैं तो बस जो भी आप बोलते हैं और ये मेरी कढ़ाई चिकन कढ़ाई बस इसका थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए बस इसके ऊपर अदरक डालना है धनिया डालना है हरी मिर्चें डालनी है और ये देखिए जी ये साथ रोटी और साथ साथ मैंने कैमरे को पकड़ा हुआ था तो ज़रा मुश्किल हो रही थी <laughs> ये देखिए जी तो बस अभी हम लोग दोपहर का लंच करेंगे सब बैठ के ओके जी फिर मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़